हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीन एम्ब्रोस के बारे में। डीन एम्ब्रोस WWE के फॉर्मर रेसलर थे और उनकी अपडेट के बारे में। डीन एम्ब्रोस, जैसे कि आप जानते हैं, डीन एम्ब्रोस एक अच्छे रेसलर थे और मैनेजमेंटर फायदे थे, मगर डीन एम्ब्रोस ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए रिन्यू नहीं किया गया क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि WWE स्क्रिप्टेड होता है और वो एक किसी का भी करियर वो किसी का भी करेक्टर उठा देते हैं और गिरा देते हैं अपने टाइप से। तो ऐसे ही डीन एम्ब्रोस का करेक्टर जो है सेथ रॉलिंस पर अटैक करा के ख़राब कर दिया गया, मगर डीन एम्ब्रोस ने इसी के चलते अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया और उन्होंने WWE छोड़ दी। अब डीन एम्ब्रोस की वापसी की बात करते हैं तो डीन एम्ब्रोस ने ऑल एलाइट रेसलिंग जापान में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। तो अगर WWE उन्हें लेना भी चाहे तो वो 3 साल से पहले नहीं आ सकती हैं। और बात करी जाए डीन एम्ब्रोस के बारे में तो डीन एम्ब्रोस के नाम पे भी आपत्ति उठाई थी क्योंकि डीन एम्ब्रोस ने WWE में बहुत नाम कमाया था और उनका नाम अब उन्होंने जापान रेसलिंग में डीन एम्ब्रोस से बदलकर जॉन मॉक्सली रख लिया है, जो उनका पहले का नाम था। उस पर WWE ने आपत्ति उठाई थी कि डीन एम्ब्रोस इस नाम से वो कहीं रेसलिंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम चेंज किया। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।